ये स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस फैमिली डाइवर्सिटी विद रेफरेंस टू कोशिप मैरिज एंड डाइवोर्स पैटर्नस फैमिली मेकिंग के अंदर जितना अहम रोल मैरिज का होता है उतना ही अहम रोल जो है उस फैमिली यूनिट की डिसइंटीग्रेशन में डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का होता है तो हम ये देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि कैसे डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर कोटशिप जो है यानि शादी करने का या तल्लुक़ बनाने का जो अंदाज है मुख्तफ़ सोसाइटीज़ के अंदर वो क्या है और क्या मैरिज जो है ये एक यूनिवर्सल फिनल है और जब मेरिज के अंदर किसी भी किस्म के मसाइल होते हैं तो कैसे मेरिज डिसोल्यूशन जो है वो मुख्तिस सोसाइटीज़ के अंदर पॉसिबल हो सकती है कोटशिप मैरिज एंड डाइवर्स पैटर्नस रिफर टू द वेज इन विच रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड एंड मैरिजिज़ आर अरेंज और चूजन एंड दीज मैरिजिज़ आर डिजॉल्व इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स तो मुख्तफ़ एस्पेक्ट्स हैं इसके क्योंकि एक तो कोर्टशिप है जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से दो या दो कंसेंटेड इंडिविजुल्स जो हैं वो आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं उसके हवाले से मुख्तफ सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तफ रूल्स एंड रेगोलेशन हैं मुख्तफ़ पैटर्नस हैं उसके और ये डिपेंड करता है कि किसी भी सोसाइटी का आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका आइडियोलॉजिकल डेरिवेटिव सोर्स क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर मैरिज जो है या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाता दो कंसेंटिड इंडिविजुल्स के दरम्यान कोकोशिप या रिलेशनशिप कायम करने के लिए जबकि जो ट्रडिशनल सोसाइटीज़ हैं ख़ास तौर पे रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये ऑब्लिगेटरी कंसीडर होता है इसके बग़ैर जो मैरिज या मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो कायम करना जो है वो सिन या इलीगल कंसीडर होता है मैरिज़ uh, जो हैं वो परमानेंट फीचर नहीं होती हैं ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा शादी हो गई और उसके बाद वो रिलेशनशिप है जो है वो प्रपैचुअल uh, होगा और वो डीकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता उस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैरिज डिसोल्यूशन के प्रोसेसेस भी मौजूद हैं तो एक दफ़ा जब कोई फैमिली यूनिट बन जाता है तो उस फैमिली यूनिट को uh, की डिसोल्यूशन या उस फैमिली यूनिट के ब्रेकअप के अंदर जो डाइवोर्स होती है वो एक रोल प्ले करती है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अरेंज uh, मैरिजेज़ज़ जो हैं दीज आर स्टिल कॉमन पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर जबकि अर्बन एरियाज़ तो में हम देख रहे हैं कि ये जो मैरिज के पैटर्न uh, या ट्रेंड्स हैं ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहे हैं चूँकि सोशल मीडिया का दौर है इंटरनेट uh, है टेक्नोलॉजी uh, का जो यूज़ है कम्युनिकेशन के लिए वो अब बहुत प्रेवलेंट हो गया है तो यूथ जो है वो ये एक्सपेक्ट करती है या ये ख्वाहिश रखती है कि उनकी शादियाँ जो हैं उनकी अपनी मर्ज़ी से हों तो अरेंज जो चूँकि ट्रेडिशनल सोसाइटी का एक खासा था अब ये पैटर्नस जो हैं ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं ख़ास तौर पर अर्बन एजुकेटेड क्लास के अंदर आ, अगर हम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे अभी भी मैरिज़ जो हैं वो अरेंज मैरिजेस हैं ज़्यादातर और उसका जो पैटर्न होता है वो उसी तरह से होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चे किससे शादी करेंगे क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो शादी है वो दो इंडिविजुअल्स के आपस के रिलेशनशिप का नाम नहीं समझा जाता बल्कि उसमें ये देखा जाता है कि दो फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगी और लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरह से अपने रिलेटिव्स और नेटवर्क्स और रिलेशनशिप्स को साथ लेके चलेंगी जो लव मैरिज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें चूँकि दो कंसेंटेड इंडिविजुअल्स का आपस में ताल्लुक़ होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है तो उसमें वो फिर जो स्पाउज़ल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है ना कि उनकी फेमिलियल करेक्टरस्टिक्स के ऊपर तो स्पाउज़ल करेक्टरस्टिक्स के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्या जो भी पोटेंशल स्पाउस है वो कंपैटिबल हैं या नहीं हैं उनके ख़्याल उनकी पसंद नापसंद वो आपस में मिलती है या नहीं मिलती है और इसकी बुनियाद के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या उनको शादी के इस रिलेशनशिप के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए uh, जहाँ तक डायवर्स रेट का ताल्लुक़ है तो डायवर्स रेट अनफॉर्चुनेटली इज़ ऑन द राइज। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर रीसेंट पास्ट के अंदर एक सर्वे हुआ है 2019 में जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 60 परसेंट लोगों का ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में डाइवर्स रेट जो है वो एक्सपोनशली हाई हो रहा है और इसके साथ साथ जो कोर्ट्स के अंदर मुख्तु केसेस रजिस्टर हो रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रक्चर डेटा सिस्टमेटिक डेटा जो है वो पाकिस्तान में डाइवर्स रेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो जो स्कैटर डेटा है उसके मुताबिक ये है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के, के कोर्ट के अंदर आ, दस हज़ार से ज़्यादा केसेज़ जो हैं वो एनअली रजिस्टर हो रहे हैं तो इस तरह से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंट पास में ये डाइवर्स ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि ये सारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स जो हैं वो मिल किस तरह से मॉडर्न फैमिली यूनिट या फैमिली इंस्टीट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं तो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप इसके हवाले से थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर गौर करें कि कैसे मीडिया पर्टिकुलरली सोशल मीडिया जो है वो हमारे फैमिलियर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है क्या इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैरिज मैरिज पैटर्न के ऊपर डाइवोर्स के ऊपर और पर्टिकुलरली सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर